हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है। अपना चरक डायलॉग्स हिंदी में से लेके आया हूँ CFTV की। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है भारतवासियों को इमरान खान की फंडिंग करनी चाहिए, एपिसोड 110 CFTV मेजर गौरव आर्या सर। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेजर गौरव आर्या सर को फुल सपोर्ट कीजिए। तो बात ऐसी है भाई लोग कि इनकी पहले भी वीडियो आ चुकी है, मैंने उस पर रिएक्शन नहीं देना दे पाया ना मैं दे सका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड फंडिंग की आ गई है, नहीं तो मैं पहली फंडिंग वाली पे जरूर आपसे बात करता। तो बात ऐसी है कि इन्होंने फंडिंग करने के लिए इंडियन भाइयों को बोला है कि आप फंडिंग करो। तो उसका लॉजिक पहले मेरे को जो समझ आया वो था कि ये मेजर गौरव आर्या सर को क्या हो गया। लेकिन फिर मैंने उस वीडियो को ध्यान से देखा, समझा, ठीक है, प्लान्स देख सुने, अपनी रिकॉल की मेमोरी पीछे 6 महीने या 4 साल की रिकॉल करनी शुरू की कि इमरान खान का माइंडसेट क्या है, मेजर गौरव आर्या सर को ऐसा क्या हो गया कि ये कह रहे हैं कि फंडिंग करो। ठीक है, तो वीडियो आप पूरी देख रहा, मेजर गौरव आर्या सर जब भी फंडिंग की बात करेंगे बीच में, ठीक है, तो मैं अपना प्रोस्पेक्ट बताऊंगा, अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा और आप पूरी वीडियो देखोगे तो समझ आएगी। और मैं आपसे लोगों से बीच में पूछूंगा भी, कुछ सलाह होगी मेरी आप लोगों से, वो आपने कमेंट में बतानी है, लेकिन मैं आपसे बीच में एक दो क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मेरे को जरूर उसके बारे में बताना। बाकी वीडियो के बीच बीच में मैं अपना तबसरा या अपने व्यू पॉइंट देता रहूंगा, तो आपने पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखना मेरे साथ। और मैं आपको, कई लोग जो एंटी हैं मेजर गौरव सर आर्या सर के और जो एंटी नहीं है, मैं उनका भी प्रोस्पेक्ट क्लियर कर दूंगा इस अपनी बात के थ्रू। ठीक है, चलो वीडियो मिलके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इसके पहले कि मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊं, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरा ठोक दीजिए एक बार। तो दोस्तों, ऐसा है कि कई सारी चीजें हो गई, मैंने एक ट्वीट करा एंड एज यूजुअल पाकिस्तानी फिर बीच में आके गालम गलौच, ये वो, दुनिया भर की बातें कि भाई आप मेजर साहब, आपने ये करा है, ये करा है। अब ये देखिए, ये मेरा ट्वीट है, मैंने ट्वीट में क्या लिखा है, मैंने कुछ गलत बात नहीं करी, राइट, मैंने सिर्फ इसमें बेसिक बातें करी हैं, ठीक है। और बेसिक बातें ये हैं कि ही कॉल्स पाक आर्मी चीफ एन एनिमल, ही कॉल्स पाक आर्मी चीफ एन एनिमल, पाक पीएम अ थीफ, People of Pakistan, slaves, gulam, an election commissioner, a traitor. He publicly threatens to expose ISI. Please tell me how I can donate to PTI. Right? Hashtag Imran Khan Zindabad और एक छोटी सी कुच्ची खान साहब। अब देखिए, इसमें पाकिस्तानी बड़े गुस्सा हो गए, गालम गलौच, ये वो, टीज फैंटास्टिक, उनके पास वही दो चार जुमले रहते हैं पाकिस्तानी के पास, तो ठोकते रहते हैं। मैं चाहता हूं एक एक करके, ये जो ट्वीट आपको दिख रहा है ना, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने क्यों लिखा, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, मैं हवाबाजी नहीं करता, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। देखिए, ही कॉल्स पाक आर्मी चीफ एन एनिमल, देखिए छोटा सा वीडियो। जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इंसानों को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, फैसला कर लो, अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ खड़े हो। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अ थीफ, ये देखिए छोटा सा वीडियो। छोटा चोर जेल चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। People of Pakistan, slaves, that is gulam. ये देखिए छोटा सा वीडियो। मैं आप सबको और अपनी सारी कौम को बताना चाहता हूं,
कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर मर जाना। एंड इलेक्शन कमिश्नर अ ट्रेटर। और आखिरी में ही पब्लिकली थ्रेटन्स टू एक्सपोज आईएसआई। इसका देख लीजिए वीडियो। देख लिया आपने, मिल गई संतुष्टि आप सब लोगों को जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं। ठंड पै गई। ओ यार एक बात बताओ, मैंने गलत क्या बोला? मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूं, मैं आपको सबूत दे रहा हूं, मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूं। ये फिर से मेरा ट्वीट देखिए जरा, तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्यों आप लोग इतने परेशान हो गए? देखिए पाकिस्तानियों का जस्ट वेट एंड सी, ही विल टेक इंडिया एंड इंडियन लीडरशिप टू द क्लीनर्स एज वेल। ये जीशान अहमद साहब बोलते हैं। जीशान अहमद साहब आजादी इन्होंने लिखा है, अपना बनाया ऊपर आजादी करके जीशान अहमद साहब ने। जीशान अहमद साहब ऊपर वाला आपको बहुत लंबी उम्र दे। आपने बोला कि इंडिया हिल टेक इंडिया टू द क्लीनर्स, यानी कि इंडिया की धुलाई अच्छी तरीके से कर देगा। 4 साल तक वजीर आजम था, पता नहीं तब कुछ नहीं करा उसने, है ना? 4 साल तक वजीर आजम था इमरान खान, तब तो इमरान खान ने कुछ नहीं करा। हम तो दुआ करते हैं इमरान खान परमानेंटली, जब तक ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी लिखी है, अल्लाह ताला ने जब तक जिंदगी लिखी है इमरान खान की, तब तक प्राइम मिनिस्टर बना रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इंडिया की धुलाई कर देगा, हिल टेक इंडिया टू द क्लीनर्स। तो करे, हमने तो कभी नहीं, हमने कभी बोला है कि खान साहब प्लीज इंडिया की धुलाई मत करना यार, बड़ा डर लग रहा है। हमने तो कभी नहीं बोला, करो धुलाई जी भर के करो। 4 साल थे प्रधानमंत्री वजीर आजम पाकिस्तान का, तब नहीं धुलाई करी। मैं तेल खरीदना चाहता था, मैंने कई बार बोला है तेल तो रशिया से छोड़ो ना, छोड़ दो तेल, गंदुम गेहूं छोड़ दो, मारो गोली। 10 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी इस आदमी ने रशिया से, तो बातें करवा लो बड़ी बड़ी। 4 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, किसने रोका था? तेल नहीं खरीदते, छोड़ दो। वो बहुत बड़ा डिसीजन है, हो सकता है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी फौज ने मना कर रखा हो। गेहूं नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, गंदुम नहीं खरीद सकते। हो सकता है कि आर्मी चीफ बाजवा ने प्रेशर डाल रखा हो सकता है, जैसे इमरान खान ने खुद बोला है कि मुझे ठीक से काम नहीं करने दिया। लेकिन यार 10 रुपए की लॉलीपॉप तो खरीद लेते, कुछ तो होता कसम खाने के लिए कि हाँ मैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने एक लॉलीपॉप खरीद। तुमने तो वो भी नहीं करा। अब इंडिया की धुलाई करेगा, करो धुलाई, हमने तो कभी मना नहीं करा, अच्छी बात है। अच्छा अब देखिए, बाकी लोग कहते हैं कि एक सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, इन्होंने अक्षय कुमार की फोटो लगाई है और बोला है कि सीइंग योर लव फॉर इमरान खान विद हैवी हार्ट वी आर ऑफरिंग यू टू टेक हिम टू इंडिया। सैयद मोहम्मद अली साहब ये कहते हैं कि जी आप, अच्छा एक बार नोट की होगी, पाकिस्तानियों ने जो गाने चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, पैरोडी भी करते हैं, वो इंडियन गानों की पैरोडी करते हैं, इनके पास अपना कंटेंट तो होता नहीं। अब जितने भी मीम्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे अक्षय कुमार की जैसे फोटो लगाई हुई है यहाँ पे, तो ये सारी ऐसे ही करते हैं, इनका अपना कुछ नहीं है, चाहे पोर्की इंडिया के खिलाफ हो चाहे ना हो। ठीक है, वैसे तो 99% पोर्की जो इंडिया के खिलाफ है, हराम के पिल्ले हैं, लेकिन इंडिया इंडिया के ही मीम्स चलाते हैं, इंडिया के ही जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, या इंडिया का कुछ है कंटेंट, इंडिया का यूज करते हैं, इतने हराम के पिल्ले हैं। आप इनको ले ही जाइए भारत, हमें इनकी जरूरत नहीं है। एक सैयद सज्जात बच्चा ये कहते हैं, ये सब एलिगेशंस हैं, ये सब आपने इल्ज़ाम लगाए खान पे, ये आपकी कंट्री को फ़ायदेमंद नहीं होंगे, आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। और बाकी उर्दू में लिखा है, सैयद के बच्चे हमारी कंट्री में फ़ायदेमंद है, इसलिए तेरे को कैसे पता? हमने 370 से हटा लिया, क्या उखाड़ लिया, फ़ायदेमंद नहीं होंगे। अबे तुम क्या, तुम्हें क्या लेना देना इंडिया के लिए, क्या फ़ायदा है क्या क्या नुकसान है? हम इमरान खान को पसंद करते हैं, ठीक है, वो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, ठीक है, अभी इमरान खान आएगा और इंडिया को धोएगा, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम क्यों भौंक रहे हो कुत्तों की तरह पुरकियो? अभी क्या लिखा है मोहम्मद इलियास ने, मोहम्मद इलियास ने क्या लिखा है, मुझे उर्दू तो मैं पढ़ नहीं पाता। दिस डॉग नेम्ड नियाजी विल बी ट्रीटेड वेरी सून गॉड विलिंग,
वी स्टूड विद पाकिस्तानी आर्मी स्टैंडिंग विल कंटिन्यू टू स्टैंड। अब ये देखो यार ऐसे ना मोहम्मद इलियास साहब ये सब चीजें आप मत बोलिए, किसी को नाम वाम देखे हम तो कभी गाली गलौच नहीं करते। अब देखिए मारिया अफजल इन्होंने इमरान खान का डीपी लगा रखा है अपने। मारिया अफजल जी, यू स्केर्ड ऑफ द डे इमरान खान केम इनटू पावर अगेन। एक तो ये बैंकर लिखा है इन्होंने, बैंकर एंड मदर। अगर आप किसी बैंक में काम कर रही हैं और आपकी अंग्रेजी इतनी तो ठीक होनी चाहिए, या फिर आप उर्दू में ही लिख देती हैं, पंजाबी में लिख देती हैं। यू स्केर्ड ऑफ द डे इमरान खान केम इनटू पावर अगेन। ये पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, सबकी मैयत उठवा ली इन्होंने आज। नमाज मैंने भी बहुत बार, आपने जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, ये माँ बहन एक कर देते हैं। उर्दू की इन्होंने माँ बहन एक कर रखी है, इंग्लिश की इन्होंने माँ बहन एक कर रखी है, ठीक है, और अपनी कंट्री की माँ बहन एक कर रखी है, अपने धर्म की माँ बहन एक कर दी है, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। और वॉज होता है उसको वाज बोलते हैं, ठीक है, पॉलिसी होती है उसको पॉलिसी बोलते हैं, पीपल को पीपल पार्टी बोलते हैं, वुमेन इट्सेल्फ ही प्लूरल है, ठीक है, तो उसको भी ये वुमेन्स लगाते हैं एस, ठीक है, मेन, मेन को मेन्स लिखते हैं। तो मेजर गौरव सर, ये मदरसा शाह से जो लोग हैं वो आप क्या एक्सेप्ट कर, क्या सोचते हो कि ये क्या क्या इंग्लिश लिखें, जिनको उर्दू तक नहीं सही बोलनी आती, इवन के पंजाबी भी सही नहीं बोलते, इनका कुछ नहीं है, ये खिचड़ी पक चुकी है इनकी। और फिर ये ना मदरसा साहब जो जब पढ़ने जाएंगे मदरसा में, तो इंग्लिश तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, और फिर कुत्तों की तरह भौंकते हैं कि हमारे में टैलेंट बहुत है, हमारे सीईओज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, सब फेक डिग्री वाले, चीमचू गलत इंग्लिश बोलता है, ग्रामर इनकी देखो ना बिल्कुल गलत होती है, जो वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश के गलत प्रोनाउंस करते हैं। इमरान खान को जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा जाहिल कहते, हम मैं तो जाहिल ही कहता हूँ इसको, पढ़ा लिखा हुआ, ठीक है, पुरखियों को लगता है क्योंकि पुरखियों में इतनी इंग्लिश इन्होंने कभी देखी नहीं है, क्योंकि इनके सारे इंग्लिश गलत बोलते हैं, तो इनको लगता है कि इमरान खान भी गलत इंग्लिश बोलता है। इनको पुरखियों को किसी बड़े से बड़े को भी बोल दोगे ना कि 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखो इंग्लिश में, तो उसमें से 50 गलतियाँ तो मैं खुद निकाल दूंगा इनकी, इतनी गलत इंग्लिश लिखते हैं, बोलते भी गलत है, लैंग्वेज को लैंग्वेज बोलते हैं, बाय गॉड आप एक मैं तो हैरान हो जाता हूं। फिर कहते हैं कि हमारे ना इंटरनेशनल जाके लोग बड़ी औहदों पे क्यों नहीं बैठते। मैंने इनके जो बाहर भी है ना फॉरेनर्स भी हैं जो इनके पाकिस्तान के हैं, उनकी इंग्लिश भी देखी हुई है, वो अमेरिका में एक तो गंजा सा है ताहड़, ठीक है, उसकी इंग्लिश देखोगे ना वो भी इंग्लिश में मिस्टेक्स करता है, हालांकि वो कहता है मैं 25-30 साल से अमेरिका में रह रहा हूं, वो भी इंग्लिश के वर्ड्स गलत बोलता है, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। वो बिजनेसमैन बना हुआ है, पता नहीं वो बन जाते हैं ये, जैसे मैं बताता हूँ ये बिजनेसमैन कैसे बनते हैं, वो कारों का जैसे यूज्ड कार होती है ना उसको होल सेल को बेचना शुरू कर देते हैं, 10 कार एक खड़ी कर ली धंधा बना के, जैसे यहाँ पे भी लोग जिनके पास पैसे नहीं होते तो एक को कार ली उसको बदला, फिर बीच में डीलर बन जाते हैं, फिर एक आधी 2-4 कारें आप खुद खरीद के बेचने, ऐसे ये छोटे मोटे काम से अब 25-30 साल बंदा एक काम करेगा तो उसका, अगर वो उसने एक कार से स्टार्ट किया तो आज की डेट में उसके आगे 50 कारें खड़ी होती हैं, तो अपने आप को बड़े तगड़े बिजनेसमैन समझना शुरू कर देते हैं ये। तो ऐसा पुरखियों का सिनेरियो हो वहां पे, ये बिजनेस करते हैं एक ये यूज्ड कार, अब इन्होंने क्या जैसे प्रॉपर्टी के डीलर होते हैं उसमें बीच में डील करा दिया, आपस में बीच में से कमीशन खा लिया, तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, ये काम करते हैं पुरखी। पुरखी कोई कंपनी में बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे नहीं होते, ये वहाँ पे पानी सर्व करते हैं, अगर किसी कंपनी में लगे होंगे ना तो बहुत लो लेवल पे होते हैं, और वहाँ पे ये ऑफिस बॉय का काम कर लेंगे, ठीक है, प्योन का काम कर लेंगे, ऐसे काम करते हैं ये पुरखी जो है, तो ये अपने आप को समझते हैं। तो जिनका जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही बेकार हैं, इमरान खान की हम हमें पुरखी बताते हैं कि बहुत तकड़ा है, अबे
उसको आता ही बोलना। कई बार तो मेजर गौरवारे सर बोलते हैं गुड इंग्लिश, वो उसके हिसाब से बोलते हैं कि पुरखियों के हिसाब से गुड इंग्लिश बोलता है। चलिए, जनाजा पढ़ दिया अंग्रेजी लैंग्वेज का। What will you do? I hope you still have pain of fantastic tea in Imran Khan era. चाय अभिनंदन की बात करते हैं। देखिए, काशान अकमल कहते हैं यस यस गो हेड एंड ट्राई टू क्रिएट द नैरेटिव दैट IK इज ऑन योर साइड। अरे बाबा यार इतनी नफरत क्यों है मेरे खिलाफ? मैं तो मोहब्बत करता हूं पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से, आप लोगों को इतनी नफरत क्यों है मेजर के खिलाफ? ये कर देंगे वो कर देंगे। यार देखो सुनो, मैं तो सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में एक बंदा है जो काम कर रहा है, जो भारत को पसंद आ रहा है और आपको भी पसंद आ रहा है। भाई इमरान खान जिंदाबाद का हैशटैग तो मैंने नहीं चलाया, मैंने तो लिखा था उसको, चलाया तो मैंने नहीं। इमरान खान हमारा कायद है, बनेगा नया पाकिस्तान, ये हैशटैग तो पाकिस्तान से चले। इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च है जिसमें लाखों लोग शामिल हैं, समुंदर उमड़ आया बिल्कुल लोगों का, ये तो पाकिस्तानी है। तो इमरान खान के सपोर्टर मुझे गाली क्यों दे रहे हैं मुझे आज तक ये समझ में नहीं। भाई एक बात बताओ, तुम भी इमरान खान को सपोर्ट करते हो, हम भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अब अगर क्योंकि हम इंडियन है और हिंदू हैं इसलिए नफरत करते हो तो ये तो गलत चीज है यार। इमरान खान को आप भी लीडर मानते हो और हम तो बहुत बड़ा, हम तो लीडर से ऊपर मानते हैं, पूरा जनरेटर है वो तो। हमने तो हम इमरान खान की हम बुराई नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें काफी इंडियंस ने भी बोला है, मुझे फोन आए दो तीन कल बड़े मजेदार, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अपने दोस्त हैं वो भारतीय हैं, तो बोला कि यार मेजर साहब यही इमरान खान है जो मोदी जी को उल्टी सीधी बातें बोलता था और भारत को गालियां देता था, आप कह रहे हो उसको पैसे दो। इसमें मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने भी सोचा था कि मैं करूंगा, लेकिन फिर मैंने वीडियो ध्यान से देखी, फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार करूं या ना, कन्फ्यूजन में था। तो मेजर गौरवारिया सर की ये वीडियो आ गई, मैंने सोचा कि इस पर रिएक्शन भी कर देता हूं और अपना व्यू भी बताता हूं। अब ध्यान से मैं भी सुनूंगा कि मेरे क्वेश्चन शायद एक क्लियर हो जाए, कुछ क्वेश्चन हैं तो देखते हैं क्या बोलते हैं। बाकी मैं आपको मेरा अपना प्रोस्पेक्ट और आपका प्रोस्पेक्ट मैं जरूर जानूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये तो गलत है और अगर किसी ने पैसा दे दिया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो ये देश का दुश्मन है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ये मैं इंडियंस को बोल रहा हूँ, गलत सोच रहे हैं बहुत। मैंने तो गया था साइट पे namanzoor.com, तो वहाँ पे वो ये आए, ये देखिए ये 404 एरर, पता नहीं क्या दिखा रहा है, कोई एरर दिखा रहा है ये। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए namanzoor.com, ये namanzoor.com है। और दूसरा मैं कंप्यूटर से भी आपको दिखाता हूं, देखिए ये फॉरबिडन है, यानी कि ये इंडिया से लॉक इन्होंने कर रखा है namanzoor.com। तो मैं ये मैंने भी चेक की थी इनके जब वीडियो आई थी उसके बाद मैंने भी चेक की थी ये namanzoor.com, तो यहाँ पे ब्लॉक हुई हुई है इंडिया में। मेरे को नहीं पता कि इंडिया ने ब्लॉक की है, मेरे को ये लगता है कि 60-70% में चांसेस है कि इंडिया ने ही ब्लॉक कर रखी होगी, क्योंकि यहाँ से इंडिया से कोई फंडिंग वगैरह ना करे उन इसको, ठीक है, साइट को। तो हो सकता है पोर्कियों ने, पर मेरे को नहीं लगता, पोर्की तो सोमालिया को भी ओपन रखेंगे क्योंकि उनको तो फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, कहीं से भी भीख मिल जाए। ठीक है, तो आपका इसमें क्या विचार होगा तो कमेंट में बताना। पहले आपको बता दूं कि मैं क्या चाहता हूं कि लोग करें, मैं खुद ये करने वाला हूं और मैं ये चाहता हूं कि लोग करें। देखिए बात यह है कि जो हम लोग तो यहां से इंडिया से पैसे नहीं भेज सकते इमरान खान के पास, वी कैन नॉट सेंड मनी टू इमरान खान ना, क्योंकि ये तो लॉक हो गया, यहां से हम लोग नहीं भेज सकते। लेकिन आप सब लोगों के दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, दुबई में, मिडल ईस्ट में होंगे, सऊदी में होंगे, लंदन में होंगे, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में इंडियंस हैं, आप सब लोग इमरान खान को पैसे भेजिए। मैं कह रहा हूँ $10 भेजिए, ऐसा नहीं मैं खुद $100 देना। देखिए मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, लेकिन मैं $100 इमरान खान को भेजूंगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है दुबई, मैंने उससे बोला है कि भाई तुम लॉग इन करो namanzoor पे और तुम इमरान खान को पैसे भेजो। अच्छा, इस पे मैं आपको बात बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ना बात की थी, मेरा जैसे कि पता ही आपको कनाडा में मेरा कज़न रहता है, तो मैंने उससे बात की थी, मैंने उसको बोला कि यार मैंने वैसे सरसरी बात की उससे
कि तू ऐसा कर यार, एक ना namzoo.com है, तो उसने पूछा किसकी साइट है क्या है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं रखता ऐसी बातों पे। तो उसको मैंने बोला कि यार $1,000 कर दे, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो उसने, मैंने उसको बता दिया कि ये इमरान खान है, इसको देने हैं या क्या। वो मेरे गले पड़ गया उल्टा, वो कहता तेरा दिमाग हिल गया, तू इतना बोलता है, तू अपनी वीडियो में पोर्कियों के खिलाफ तू इतना कर रहा है, तू उस पर कर रहा है क्या कहते हैं अपनी जो सुपर चैट होती है उस पर इतना बोलता है, तेरे को क्या हो गया, तू पोर्कियों को क्यों दे रहा है पैसे। मैंने यार क्या, तो यानी कि कहने का मतलब गर्मा गर्मी हो गई थी उसके मेरे बीच में, कहता तू दोगला है तो उल्टा सीधा बोलने लग गया। मैंने कहा चल ठीक है यार, बाद में देखते हैं। तो मैंने सच में $1,000 मेरे मुंह से निकल गया, मैं कह रहा यार $1,000 उसको डाल देना, मैं पे कर दूंगा तेरे को। तो वो कहता बात पे की नहीं है, बात तेरी दोगलेपन की है। तू एक तरफ तो इंडियंस को बोलता है कि तो तुम सुपर चैट करते हो, तुम पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे हो, तू अब फंडिंग खुद करने लग गया। तो उसको मैंने मेजर गौरवारे सर का नहीं बताया, फिर मैं रुक गया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को सोचने का मौका मिलना चाहिए कि मैं यार ये करूं क्या ना करूं, क्योंकि इसमें कई तकलीफ थी। तो अभी मैं वो आपको तकलीफ भी बताऊंगा साथ के साथ, मेरे साथ भी ये हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या मेजर गौरव सर बोलते हैं। फिर मैंने $500 का सोचा, ठीक है। फिर मैंने सोचा चल $100 तो कर ही देता हूँ। रीज़न मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने करा, क्यों मैंने सोचा ये, ठीक है। अभी बात मेजर गौरव सर की कर लूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे नाम के पैसे भेज देना कि मेजर कह रहा है कि तुम्हारी 100 साल की उम्र हो, सेहतमंद उम्र हो, और 100 साल की उम्र तक जब तक ऊपर वाले ने अल्लाह ताला ने तुम्हारी सांसें लिखी हैं, तुम पाकिस्तान के वजीर आजम हो। इसको पैसे भेजना जरूरी है। और मैं ये देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं ट्रोल कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, मैं बड़ा सीरियस हूं, ठीक है ना। और मैं कभी ये इतनी बड़ी बात मैं कभी हल्के में नहीं बोलूंगा। इसको फंड करना बहुत जरूरी है इस आदमी को। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं आपको लॉजिक दूंगा, और अगर आपको मेरा लॉजिक पसंद ना आए तो आप बोल देना कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इशू क्या है, ये समझिए आप। ये रिपोर्ट आती है पाकिस्तान में, ये डॉन न्यूज की रिपोर्ट है, देखिए 462 पॉइंट्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसके शेयर्स प्लंज कर गए लॉन्ग मार्च की शुरुआत में। इस आदमी ने स्टॉक मार्केट को ठोक दिया अपने, समझ रहे मेरी बात। इस आदमी ने स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट कहां है, कराची। इस आदमी ने स्टॉक मार्केट को ठोक दिया, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स लॉस्ट 462.53 पॉइंट्स और 1.11% बाय द सेशन एंड। ये है। और अगर आप और इसको देखेंगे तो ये बंदा जो है ये धीरे धीरे करके ये parkrevenue.com का देखिए, चार दिन पहले का है, ठीक है, चार दिन पहले का है। ये कहता है शोइंग अ डिक्लाइन ऑफ 650 पॉइंट्स। ये देख लीजिए आप parkrevenue.com, ठीक है, parkrevenue.com पे ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको सारे फिगर्स देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये बंदा जो लॉन्ग मार्च के, लॉन्ग मार्च जो करवा रहा है इमरान खान के, उसके देखिए पाकिस्तानियों में इतना पैसा नहीं है उनके पास, उनकी प्रॉब्लम है। और आपके जैसे कोई भाई होते हैं, हम लोग भारत में भी होता है, दुनिया में हर जगह होता है कि आपका कोई भाई है या आपका कोई बहुत दोस्त है जिसके पास पैसे नहीं होते, उसकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी होते, क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करते, करते हो ना आप सपोर्ट। तो इमरान खान जब काम कर रहा है इंडिया का तो आप उसको सपोर्ट, आप मुझे फोन करके क्यों मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो यार कि मेजर साहब हम वो पाकिस्तानी हैं, हम उसको क्यों पैसे दें। उसने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, उसने भारत को, अरे उसने जो बोला उसको छोड़ो, इमरान खान ने मुंह से बोला उसकी जीरो वैल्यू है। इमरान खान जो जमीन पे कर रहा है उसको देखो यार आप लोग। इमरान खान ने मोदी जी को जो बोला वो मुंह से कुछ है, दिल से कुछ है, उसके दिल और जबान में कोई कनेक्शन नहीं, उसके कॉलो फेल में फर्क है, उसकी कथनी और करनी में फर्क है। वो ऊपर से गालियां दे रहा है इंडिया को, मोदी जी को, लेकिन अंदर क्या कर रहा है वो, स्टॉक मार्केट उसने ठोक दिया पाकिस्तान का। और मैं हिंदुस्तानी भाई बहनों से, आप लोग कर पाइए, आप कर पाइए। उसने पाकिस्तानी आर्मी के बीच में दरार डाल दी, सिर्फ एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में जो काम करता है, बाकी तो नालायक है। उनकी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, उनकी इकोनॉमी फेल हो गई है, उनकी मतलब उनकी जो के इलेक्ट्रिक है, जो कराची जो लार्जेस्ट सिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑन अर्थ, सिर्फ पाकिस्तानी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑन अर्थ, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, के इलेक्ट्रिक तो ऐसा है जैसे जिन में पूरा हो। पाकिस्तान में काम क्या करता है पाकिस्तानी फौज के अलावा, उसने पाकिस्तानी फौज के आईएसआई के चीफ को रुला दिया,
आप कर पाए? आप खुद नहीं कर पाए और जो दूसरा कर रहा है आप उसको भी फंड करने को तैयार नहीं है, उसके भी अड़ंगे डाल रहे हैं। भाई ऐसा मत करिए आप लोग। जो उसने कहा है आपके दिलों को चोट पहुंची है, मेरे भी दिल को चोट पहुंची, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, और मैं बड़े सीरियसली बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, आदमी कर क्या रहा है और किसके लिए कर रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं नहीं साहब आप हमारे मन में इमरान खान के लिए वहम डाल रहे हैं। अरे मुझे मारो गोली यार, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप हमारे मन में इमरान खान हमारे कायद के खिलाफ वहम डाल रहे हैं। हम क्या वहम डाल रहे हैं यार तुम्हारे खिलाफ? तुम्हारे मैं जो कह रहा हूं उसको छोड़ दो ना, मत देखो ये वीडियो, मत देखो वीडियो। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप ये देख सकते हैं कि इमरान खान जलसे में लाखों लोगों के सामने क्या बयान दे रहा है, ये बता दो आप। अगर सही बयान दे रहा है, गलत बयान दे रहा है, जस्ट लेट मी नो ना, लेट मी नो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए मैं जो कर रहा हूं, मैं जो साजिशें कर रहा हूं, जो हिंदू साजिशें कर रहे हैं, एक ड्रामा छोड़ो ना, साजिश वाजिश की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है उसकी। जो काम होता है, जो कर्म होते हैं, जो एक्चुअल काम जमीन पे होता है, आप उसकी बात करो, आप उस चीज की बात करो कि ये चीज आपने गलत करी। अच्छा एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जियो न्यूज एक बड़ा चैनल है, उसने मेरा वीडियो चलाया। ठीक है जरा। अच्छा तो मैं यहाँ पे जियो न्यूज से जाने से पहले शायद टॉपिक ना चेंज होए तो मैं आपको लोगों को एक बात बताता हूँ। मेजर गौरव आर्या सर को देखिए, आप नेगेटिविस्ट हो सकते हो, आप पॉजिटिविस्ट हो सकते हो, ठीक है। जो मैं सोचता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, वो आप कमेंट में बता देना कि आप क्या सोचते हो। मेरे हिसाब से मेजर गौरव आर्या सर बहुत बड़ी गैम्बलिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसी गेम है जो हाई रिस्क और हाई गेन है। स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसमें होता है हाई रिस्क हाई गेन। कई ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं जो एकदम ही एक दिन में 5%, 3%, 5% ऊपर चले जाते हैं और 5-10% एक दिन में नीचे आ जाते हैं, वॉलेटाइल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हाई रिस्क हाई गेन वाले स्टॉक्स होते हैं। तो मेजर गौरव आर्या सर जो कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। रिस्की कैसे है, मैं क्या समझाऊँ। देखिए जैसे मेजर गौरव आर्या सर ने बोला कि इन्होंने हमारे पीएम को बोला, चलो वो हम फिर भी थोड़ा बहुत दिल पे पत्थर रख के सह लेते हैं, ठीक है, सह लेंगे, ठीक है। किसी की बर्बादी हो रही है तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा एक दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि उसकी बर्बादी हो रही है, चलो उसने गाली निकाली है तो हम गाली सह लेते हैं, लेकिन तू बर्बाद हो रहा है ना वो बेटर है, तू मेरे को चार गालियां और निकाल लेकिन बर्बाद हो जा, चार टुकड़े हो जाए तेरे, वो मैं सह लूंगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम खुद कह फंडिंग कर रहे हैं ये इमरान खान को, जब हम पैसे भेजेंगे तो डॉलर्स में जाएंगे, तो डॉलर में जाएंगे तो वो पैसा उस, मैं हमेशा मेरे दिल में ये चीज़ रहती है, हर एक के बंदे के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने ख्याल होते हैं कि यार ये उसका प्रोस्पेक्ट होता है सोचने का। मेरा प्रोस्पेक्ट हमेशा ज़िंदगी में ये रहा कि पाकिस्तान को एक रुपया भी इंडिया से जाना नहीं चाहिए, उनको एक रुपये का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इंडिया से। उसमें क्या होता है कि जब हम उनको पैसे देते हैं तो वो डॉलर्स में जाते हैं, तो वो डॉलर्स जो होते हैं वो हमारे वो उससे हथियार खरीदते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डॉलर जाते हैं, पुरखियों के पास तो उनका रुपीस जाता है, ठीक है। तो जो डॉलर के वो ISI होती है, फौज होती है, वो गोलियां खरीदती है, वो गोलियां खरीद के वो हमारे फौजियों को लगती हैं, वहां पे आके यहां पे चीज डलती है, यहां पे हमारे दर्द होता है, और जो हमारे इनोसेंट जो आतंकवादियों को ये उसके उसी डॉलर को आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, उसकी गोली जब हमारे एक हिंदुस्तान भाई को इनोसेंट भाई को लगती है तो यहां पे दर्द होता है। प्रॉब्लम आके मेरी यहां फंस जाती है। मैंने पहले जो जोश में, वैसे मैंने तो उसको अचानक ही बोल दिया था अपने कजन को, फिर मैंने $500 का फिर अपने आप पिलाओ, फिर मैं सोचने लगा यार ये मैं फंडिंग कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने आज मैंने सोचा कि आपको आपकी सच्ची बात बताऊं, मैं $10 से $20 जरूर दूंगा जो मेरा है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों दूंगा, मैं इसलिए नहीं दूंगा, तकलीफ है मुझे, मैं हमेशा अपोज करता हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं मेजर गौरव आर्या सर को जो समझ पाया ना, ये गेम प्ले कर रहे हैं बहुत तकड़ी, ये गेम प्ले कर रहे हैं कि अगर पोर्कियों को फंडिंग जाएगी यहाँ से, स्पेशली इमरान खान को, तो इमरान हो सकता है, इसका सिनेरियो बन सकता है कि
जो सरकार है या दूसरे अदारे हैं या उसके जो खिलाफ है लोग, वो बोलेंगे कि तेरे को इंडियन फंडिंग करने के, ये एक बड़ा बहुत बड़ा मैटर बन सकता है वहां पे, बहुत बड़ा इशू बन सकता है, कि उसका रीजन बन सकता है एक तो ये। दूसरा कि अगर उसको फंडिंग जाएगी तो वो और अपना तेजी से ये वो अपने जो मुहिम चला रहा है तोड़ने की, जा जो मेंटली पाकिस्तान को तबाह करने की सोच रहा है, वो और जोर से करेगा, क्योंकि पैसा मैटर्स, दुनिया में पैसा कई लोगों के लिए तो पहला भगवान बन चुका है, जैसे पुरखियों के लिए तो पहला जो अल्लाह पैसा है वो पहला भगवान है, ठीक है। तो आज की डेट में पूरी दुनिया में अगर सिनेरियो उठाओगे तो पैसा दूसरा भगवान है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, सेकंड नंबर पे पैसा भगवान है आज की। आप भगवान को किसी को भी पूछते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आप जीरो हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेजर गौरव आर्य सर बहुत मेंटली और बहुत डीपली गेम खेल रहे हैं, और बहुत डेंजरस गेम है, ठीक है, बहुत खतरनाक गेम है, उसमें हमें नुकसान भी हो सकता है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। ये आप लोगों ने मेरे को बताना कमेंट में, क्या मेरे को 10 या 20 डॉलर, मैं पहले 100 भी कर सकता हूँ, 1000 भी कर सकता हूँ, 500 भी कर सकता, लेकिन इतना मेरा, मैं सिर्फ मेजर गौरव आर्य सर के फेस वैल्यू पे, क्योंकि मैं मेजर गौरव आर्य को यहाँ से प्यार करता हूँ दिल से, अगर ये कोई बात बोलेंगे अगर मैं उसको 100 नहीं करूँगा तो उसको मैं 10 जरूर करूँगा, क्योंकि मेरे अगर विचार नहीं मिल रहे ना, या मेरा मन नहीं मान रहा, दिल नहीं मान रहा, लेकिन मैं मेजर गौरव आर्य सर की सिर्फ फेस वैल्यू और इनका जो सोच है उसको सपोर्ट करने के लिए मैं ये जरूर करूंगा। और अगर मैंने $10 या $20 फंडिंग की तो उतनी ही फंडिंग मैं अपने जो गरीब हैं, इंडियन गरीब हैं, उनको जरूर दूंगा, उनको पैसा जरूर दूंगा, ताकि मेरे को कम से कम 50% ये लगे कि यार मैंने गलत नहीं किया, मैंने अपने भाइयों को दिया। लेकिन एक मेरे दिमाग में जरूर रहेगा कि मैंने एक कोने में जरूर रहेगा कि मैंने यार गलत किया, लेकिन सिर्फ मेजर गौरव आर्य सर की वजह से मैं कर रहा हूं। आपको अगर मेजर गौरव आर्य सर की गेम नहीं समझ आ रही, मेरे को गेम समझ आ रही है, लेकिन दिमाग से मेरे को सारी समझ आ रही है ये करना क्या चाहते हैं। मेरे को यही पता, हाई रिस्क गेम है, हाई गेन की गेम है ये, हाई लॉस हाई प्रॉफिट, ठीक है, वो गेम है। तो लॉस का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि ये फंडिंग गलत हाथों में जाके गलत हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी, मेरे को इतना जरूर पता है। लेकिन सिर्फ मेजर गौरव आर्य सर की फेस वैल्यू पे कर रहा हूँ, मैं करूँगा। आप मेरे को बताना मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए, $10, $20, $100, $500, वो आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं, जिस जैसे कमेंट होंगे वैसे मैं कमेंट में देख के अपना मन बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा दिल है, ठीक है, वो नहीं मान रहा। मैं मेजर गौरव आर्य सर को आई लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं अपने दिल के गहराइयों से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये स्टेप उठाऊंगा, ठीक है, सिर्फ मेजर गौरव आर्य सर। आपको अगर नहीं उठाना आप ना उठाओ, ठीक है, लेकिन आप मेजर गौरव आर्य सर को ये मत बोलो कि आप वो मत करो, ठीक है, आपने करना है करो, नहीं करना तो ना करो फंडिंग, नहीं करना आपको विचार नहीं पसंद है ना करो, ठीक है, लेकिन आप उनको गलत मत बोलो, क्योंकि उनका प्लान हमारे इंडियन के की भी 10 या 20% बंदों के दिमाग में आया होगा या समझ आया होगा। मेजर गौरव आर्य सर आपको ना, आप ये सोचो चांद है, चांद की मेजर गौरव आर्य सर आपको डार्क साइड पे लेके जाना चाहते हैं, वहां पे पोर्कियों को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग क्या है, हम डर रहे हैं डार्क साइड पे जाने के लिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते, पता नहीं वहां पे जाके क्या होगा क्या, जैसे मैं भी डर रहा हूं, मैं सिर्फ डार्क साइड पे जाने, लेकिन मैं मेजर गौरव आर्य सर का हाथ पकड़ के जा रहा हूं बिलीव करके, ठीक है, लेकिन मैं उतना भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि मैं $100 कर दूं, मेरा जैसे पहला झटका कि $1000, लेकिन वो भी कर सकता हूं मैं, $1000 भी डजंट मैटर, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं बन पा रही, क्योंकि मेरे को अपनी फौज और अपने लोग भी नजर आ जाते हैं, वो गोली नजर आ जाती है जो पाकिस्तान हमारे यहाँ पे चलाता है। बस इस वजह से मैं मेजर गौरव आर्य सर का भी चाहता हूँ, और लेकिन मेरे लिए फिर मेरा हिंदुस्तान आगे आ जाता है, इसलिए मैं 100 से सीधा 10 या 20 पे आ गया हूँ, और उसमें भी अपना जो मेरी गिल्ट है, जहाँ मेरा जो मुझे लग रहा है, वो भी मेरा इसलिए और नीचे आ जाता है कि मैं फिर हिंदुस्तान भाई के लिए करूँ, थोड़ा सा अपने आप को और ना अपने आप को डाउनग्रेड फील करूँ, अपने मन से ना गिर जाऊँ, ठीक है। लेकिन मेजर गौरव आर्य सर को भी मेरे को देखना है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है हर हिंदुस्तानी को सपोर्ट करो, बाकी आपकी मर्जी है, जो अगर आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो, लेकिन मेजर गौरव आर्य सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेगेटिव मत बोलो, ठीक है, पोर क्योंकि तो यही
निजन गौरव आर्या सर का प्लान नहीं समझ आएगा। अगर आपको प्लान समझ आता है, जितना आपको लगता है करो, नहीं लगता है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेजर गौरव आर्या सर को वैसे ही सपोर्ट करो, वैसे ही मनोबल बढ़ाओ, इनके चैनल के आगे जाके इनके चैनल को सपोर्ट करो, इनके ट्वीट का साथ दो, जो इनके ट्वीट पे बोलते हैं उनको जाके गालियां निकालो। मेजर गौरव आर्या सर तो खुद निकालते नहीं है, हम तो निकाल सकते हैं ना, तो उस ट्वीट पे जाके उनको गालियां निकालो दबा के। जियो न्यूज ने क्या वीडियो चलाया था, वीडियो देख लीजिए। हम तो कहते हैं कि इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं मिल सकता पाकिस्तान को, प्लीज ये अपना वापस लें और इमरान खान को वापस बुलाएं, उसका बेमान मुल्क का मिनिमम 10 ईयर, और अगर 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गया वो पाकिस्तान का, तो हमारा काम, अगर तुम वो घड़ी का लोचा नहीं करते तो ये घड़ी नहीं आती। वापसी भी जियो न्यूज ने वीडियो चलाया मेरा, और जियो न्यूज ने बोला कि जनाब ऐसा है कि ये जो मेजर गौरव आर्या ने तो ये बोल दिया कि इमरान खान 10 साल प्रधानमंत्री रहेगा और ऐसा रहना चाहिए इमरान खान को, और ये सब वो घड़ी वड़ी का जो भी मैंने बात करी थी। यार देखो साफ सीधी बात है, ठीक है, हर एक मुल्क अपना फायदा देखता है, वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो, वो कोई भी हो, वो अपना फायदा देखता है। हाँ, पाकिस्तानी चाइना का फायदा देखते हैं, वो अलग चीज है, अपने मुल्क का फायदा नहीं देखते, वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। लेकिन अमरीका को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, यूके को ले लीजिए, किसी भी मुल्क को ले लीजिए, हर एक मुल्क अपना फायदा देखता है। तो अगर हम अपना फायदा देख रहे हैं तो उसमें क्या बुरा कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं जियो न्यूज़ वालों से, ये जो भी पाकिस्तानी मीडिया है ये पिछले 48 घंटे से मेरी क्लिप चला रहे हैं गोल गोल घुमा के, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या गलत कह दिया मैं, क्या क्या गलत दिया? जिस बंदे ने आपके मुल्क को साफ कर दिया, और ऊपर से मुल्क को साफ कर दिया इन द सेंस कि उसने जड़ें काट दी आपके मुल्क की, और आपको इतना नुकसान पहुंचाया, और ऊपर से करोड़ों पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना दिया कि देखो मुल्क की जड़ें काटना जरूरी है, पहले सब कुछ राख कर दूंगा, उसके बाद एक अच्छी सी आलीशान कोठी बनाऊंगा जिसका नाम नया पाकिस्तान रखूंगा, ठीक है, ये इमरान खान ने बोल दिया और लोगों ने विश्वास कर लिया उसकी बात पर, भरोसा कर दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जिस भेड़ को, जिस जानवर को तुम ज़िबा कर रहे हो, वो जानवर बोले वाह जनाब वाह, क्या चाकू फेरा है मेरी गर्दन पर, मजा आ गया, ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये बुरा है क्या एज एन इंडियन? नो, एज एन इंडियन इट इज ग्रेट, एंड एज एन इंडियन दैट इज फैंटास्टिक, राइट, ये वो टी इज फैंटास्टिक है। मेरा एक पैगाम है सारे पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, ये नया पाकिस्तान वाला जो मामला इमरान खान का है रुकना नहीं चाहिए, हम यहाँ से पूरी मदद करेंगे जितनी हमारी हो सके, जितनी मेरी पर्सनल हैसियत है, और ये पैगाम है, जब आएगा इमरान सबकी जान, बढ़ेगी इस कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान। इमरान खान जिंदाबाद, खान साहब लगे रहो, हम आपके साथ हैं, और मैं पर्सनली देखूंगा कि थोड़ा बहुत फंडिंग मैं शुरू कर दूं आज से। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरा ठोक दीजिए एक बार। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, तो मैंने अपनी बातें जो थी बीच बीच में रोक के आपको बता दिया, तो आप लोगों ने मेरे को कमेंट में बताना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने अपने विचार हैं। तो देखिए हाई रिस्क गेम है, वो ऐसा यू टर्न लेता है, ठीक है, थूक के चाटने वाला इंसान है, मेरे को ये भी डर लग रहा है, एक फाइनल बात बता दूं कि मेरे को ये भी डर लग रहा है कि वो अपने धरने से पीछे ना हो जाए, फंडिंग खराब ना हो जाए, क्योंकि वो डरपोक किस्म का आदमी है, ठीक है, उसकी कोई सुलह सलाह होगी तो वो चुप करके बैठ जाएगा, ठीक है, और चुप करके बैठ गया अगर तो जो हमारी फंडिंग है वो ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। तो आप मेरे को बताना, मेजर गौरव आर्या सर ने जैसे बोला है, ठीक है, बाकी अपने अपने यार सोच होती है, मेरी अपनी सोच है, आप लोगों की अपनी सोच है, तो मैं आपकी सोच के हिसाब से भी चलूँगा, क्योंकि मेरे लिए जो नेशन फर्स्ट के जो सब्सक्राइबर नहीं बोलता सोल्जर बोलता हूँ, तो जो भी उनका होगा मैं उनके कमेंट जरूर इसके पढ़ूंगा, और मैं पढ़ता ही हूँ हमेशा, मैं ज़रूर कमेंट देखूंगा, और अगर आप करेंगे जो आपका प्लान होगा, जो आप सोचते हो, वो मेरे को आपके कमेंट से पता चल जाएगा कि आपका प्लान क्या है।
तो मैं सिर्फ दो चार बातें जो मैंने आपको बीच में बताई अभी 5 मिनट पहले जो मैंने आपसे बोला है, तो वो मेरा सच में मेरे दिमाग जो कह रहा है वो कह रहा है कि कर लक्की, ठीक है मेजर गौरवारे सर गलत नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत ध्यान से और डीपली सोचता हूँ। मैंने जब मेजर गौरवारे सर की पहले थी वीडियो आई थी तो मैंने स्नैरियो देखा कि मेजर गौरवारे सर को ये हो क्या गया, एक कह क्या रहे, फिर मैंने 6 महीने का पूरा अपना पूरा रिकॉल किया अपने दिमाग को, फिर मैंने 3.5-4 साल का कटोरा खान का पूरा एनालाइज किया, फिर मैं पाकिस्तान का देखा कि क्या कर दिया इसने, ठीक है। तो मेरे को लगा कि नहीं मेजर गौरवारे सर बहुत डीप गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप। जिन लोगों को समझ आ जाएगी ठीक है, वो तो अगर जैसे मेरे को समझ आई है, मेरे को दिमाग में आ गई है, दिमाग कह रहा है कि लक्की ये कर, दिल कह रहा है कि लक्की नहीं, तो मैंने दिल और दिमाग का क्या किया, अगर मेरा दिल भी करता होता तो मैं $100 भी डालता, ठीक है। लेकिन अब दिल और दिमाग मेरे मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं $10-20 पे ही आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को मेजर गौरवारिया, मैंने पहले ही बोल दिया मेजर गौरवारिया सर को मैं बहुत ज़्यादा दिल से यहाँ से प्यार करता हूँ, तो मैं मेजर गौरवारिया सर की बात टाल नहीं सकता। अब वो मेरे को कहाँ लेके जाएंगे, अगर कल को ये फंडिंग हमारी फेल होती है ठीक है, तब भी मैं मेजर गौरवारिया सर को ब्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। एक जुआ है जो मैंने खेल देना है, जो खेल 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 सकता हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे मेरे को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म का एक हम रिस्क ले रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, वो मुकर सकता है बंदा, धरनों से मुकर सकता है, फौज के साथ मांडवाली कर ले या कुछ भी कर ले, ठीक है, चुप करके बैठ जाए 6-8 महीने के लिए, और वो जो फंडिंग होगी वो कहीं और यूज़ हो सकती है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी दिमाग में यानी कि एक खिचड़ी पक रही है, और दिल और दिमाग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। बाकी आपके कमेंट के हिसाब से मैं अपना और देखूंगा कि कैसे बनता है प्रोस्पेक्ट, लेकिन अब मैं आपके सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तानी को तो ये उनकी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है इंडियन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं या इंडियन क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि इंडियन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन की गेम प्लान बहुत तकड़ा है। अभी मैंने एक और बात सुनी है, राजनाथ जी पे पाकिस्तान बहुत ड्रामे कर रहे हैं कि ऐसे कैसे इंडिया ले जाएगा, वो तो कई क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिया हमला करके कैसे, इंडिया तो कहता है कि हम हमला करते हैं तो पाकिस्तान के पीओके कैसे ले लेगा, पाकिस्तानी को ये समझ नहीं आ रही कि तुम लोगों को अंदर से तोड़ के हम लेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फौज को लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम जब ख़त्म ही हो जाओगे, तुम्हारी फौज ही ख़त्म हो जाएगी, तुम टूट जाओगे तो हम आसानी से ले लेंगे, 370-35 ना बिना एक गोली चलाए हमने कर लिया, तुम गोली चला सकते थे, तुम लड़ सकते थे, हिम्मत नहीं ना हुई, ऐसे ही पीओके भी बिना गोली के हम ले लेंगे, तो ये बात कन्फर्म्ड है अंदर। हाँ एक आधी जो चलानी भी पड़ेगी ना तब भी तुम्हारी औकात नहीं होगी बोलने की, और गोली पहले तुम ही चलाओगे, ये भी इंडिया ऐसा सिनेरियो बना देगा कि तुम ही पहले गोली चलाओगे उसके बाद इंडिया की गोली जाएगी, और इंडिया ऐसी प्लान बनाएगा कि तुम्हें ही चलानी पड़ेगी पहले गोली, इंडिया नहीं चलाएगा तुम ही चलाओगे, हम फिर तुम्हें बोलेंगे कि तुमने गोली पहले चलाई, तो प्लान बहुत बड़ा इनकी अगर समझ में आ जाता ना इंडिया, तो इंडिया से ये आगे तरक्की कर जाते, इनको इंडिया का पता ही नहीं, इंडिया का तो दुनिया को नहीं समझ आती इंडिया करता क्या है, रशिया से भी तेल लेता है, अमेरिका से हथियार भी ले लेता है, ठीक है, यहूदियों से भी मिल लेता है, इसराइल से और क्या कहते हैं फिलिस्तीन से भी मिल लेता है, और अपना क्या कहते हैं अरब से भी रख रहा है, तो पुरकियो तुम्हारी समझ से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हमारी सोच है, हमारे प्लान बड़े हैं, चनक्किया था चनक्किया यहाँ पे, चनक्किया की नीति पे तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर की वजह है। चलिए यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको मेरे विचार और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है भाई लोग, इसमें आप सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ नेशन फर्स्ट का, ताकि मेरा साथ दे सको, मैं आपको समझा सकूँ, मैं ब्रेन वॉश की बात नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, आपका दिमाग है आपने दिमाग से सोचना है, ठीक है, किसी की कहीं भी बातों पे ना चलो, अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से सोचो, दिल और दिमाग को दोनों को एक करके फिर आपको जो अच्छा लगता है वो करो, उसका रिजल्ट बेटर आएगा। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।